चोपड़ा एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर मैं हरसाई चोपड़ा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों गुड न्यूज यह है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट में ईडब्ल्यू की लिमिट के रिगार्डिंग एफिडेविट फाइल कर दी है जैसा कि आपको मालूम है 27 नवंबर को सेंट्रल ने ईडब्ल्यू क्राइटेरिया को रिव्यू करने के लिए एक कमेटी का गठन किया था कमेटी ने रिकमेंड किया है कि इस साल के लिए ईडब्ल्यू की लिमिट जो एट लाख है वही रहनी चाहिए यानी कि जो इस साल है, का मतलब है जो ऑन गोइंग एडमिशन है जो यहाँ ट्वेंटी वन के एडमिशन होने हैं ट्वेंटी वन की काउंसलिंग होनी है उसके लिए जो क्राइटेरिया है लिमिट है वो सब कुछ पहले वाली जैसी रहेगी इसमें कोई चेंज नहीं होगा लेकिन जो आगे एडमिशन होगा नेक्स्ट अकेडमिक ईयर यानी कि ट्वेंटी टू का जो अकेडमिक ईयर होगा उसके बाद काउंसलिंग होगी उसमें इस कमेटी की जो रिकमेंडेशन है वो चेंजेज इसमें लागू होंगे कहने का मतलब ये है कि जब जो अभी ऑन गोइंग काउंसलिंग होगी ऑन गोइंग का मतलब है कि 21 में एग्जाम जो लगी थी उसकी काउंसलिंग होगी उसमें कोई चेंज नहीं होगा लेकिन जो 22 में एग्जाम होके फिर उसकी काउंसलिंग होगी उसमें इस कमेटी की चेंजेज इसकी रिकमेंडेशन का चेंजेज होगा तो इस साल के लिए कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है इस साल का मतलब जो ट्वेंटी वन की जो काउंसलिंग हो रही है उसके लिए कोई भी चेंजिंग नहीं होगा बिल्कुल क्लियर हो चुका है और सेंटर ने सुप्रीम कोर्ट में ये एफिडेट दाखिल भी कर दी है तो ये अभी बिल्कुल क्लियर हो गया है कि सिक्स ऑफ तो जनवरी ट्वेंटी टू की हियरिंग के बाद में तुरंत ही काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी और इस साल के लिए जो ईडब्लूएस टेन परसेंट और ओबीसी ट्वेंटी सेवन परसेंट का जो रिजर्वेशन ऑल इंडिया कोटा में लागू हुआ है वो एज इट इज रहेगा इसके अलावा ईडब्ल्यू एस की लिमिट एट लाख ही रहेगी इस साल यानी कि ट्वेंटी वन की, की काउंसलिंग के लिए इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी तो ये अभी बिल्कुल स्पष्ट हो चुका है कि सिक्स ऑफ तो जनवरी ट्वेंटी टू की हियरिंग के बाद काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी जिसका हमें बेसब्री से इंतजार था तो इसका सिक्स ऑफ तो जनवरी के बाद में जो भी काउंसलिंग का शेड्यूल आएगा हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे तो मिलेंगे नई अपडेट के साथ नए वीडियो में मैं फिर आपको क्लियर कर देना चाहता हूं कि जो ट्वेंटी वन की जो काउंसलिंग हो रही है उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा ट्वेंटी टू की एग्जाम के बाद जो काउंसलिंग होगी उसमें इस कमेटी की रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग चेंज होगा तो इसके लिए अभी कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है काउंसलिंग जल्द ही स्टार्ट हो जाएगी तो मिलते हैं नई अपडेट के साथ नए वीडियो में तब तक मैं हर्षाई चोपड़ा आपसे लेता हूँ विदा جاهن